नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों के रूटों में हुए बदलाव के बारे में। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियम में बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि इन दिनों रेलवे अपने पटरियों पर ध्यान दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही जा रही। यही वो कारण है कि ट्रेनों की पटरियों पर कार्य किया जा रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि समस्तीपुर रेल मंडल पर मेहसी चकिया स्टेशन के बीच में डबल लाइन बन रही है। ऐसे में इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का रूट बदल गया है। जिन ट्रेनों का रूट बदल गया है उसका रूट के बारे में हम आगे जानेंगे। गाड़ी संख्या 12558 11 और 13 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जिसका कि रूट सिंगरौली बापूधाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर है, अब यह रूट बदले हुए जो रूट है इसका सिंगरौली रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 12557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 12 और 14 सितंबर तक अपने निर्धारित रूट यानी कि मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के बदले नए रूट मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 15706 दिल्ली कटिहार एक्सप्रेस 13 सितंबर को अपने निर्धारित रूट गोरखपुर नरकटियागंज मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित रूट गोरखपुर छपरा हाजीपुर मुजफ्फरपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 19269 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस 12 सितंबर को अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के स्थान पर बदले हुए नए रूट जो है मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 14016 आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस 11 सितंबर को अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के स्थान पर बदला हुआ जो नया रूट है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सगौली के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 09452 भागलपुर गांधीधाम स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर को अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर के स्थान पर जो बदला हुआ रूट है मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 15705 कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस 12 सितंबर को अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर के स्थान पर बदला हुआ रूट मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 15001 मुजफ्फरपुर देहरादून एक्सप्रेस 12 सितंबर को अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के स्थान पर जो इसका नया रूट है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 12538 बनारस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 12 और 14 सितंबर को अपने निर्धारित रूट सगौली बापूधाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर के स्थान पर बदला हुआ जो रूट है सगौली रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। मुजफ्फरपुर बनारस एक्सप्रेस 12 सितंबर को अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के स्थान पर बदला हुआ जो रूट है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 15268 लोकमान तिलक टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस 12 सितंबर को अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के स्थान पर बदला हुआ रूट मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। गाड़ी संख्या 15229 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर के रास्ते जो बदला हुआ रूट है मुजफ्फरपुर छपरा गोरखपुर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएगी। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि रेशेड्यूल भी किया गया है। उसमें है गाड़ी संख्या 19270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस को 11 सितंबर को मुजफ्फरपुर से 1.5 घंटे रेशेड्यूल करके चलाया जाएगा। उसके बाद है गाड़ी संख्या 12211 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 9 सितंबर को मुजफ्फरपुर से अपने समय से 1.5 घंटे रेशेड्यूल करके चलाई जाएगी। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि कंट्रोल करके भी चलाया जाएगा यानी कि उन्हें रोका जाएगा। गाड़ी संख्या 15002 देहरादून मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 10 दिसंबर को नरकटियागंज पिपरा के बीच में 150 मिनट नियंत्रित करके चलाई जाएगी। उसके बाद गाड़ी संख्या 12221 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 7 सितंबर को बेतिया पिपरा के बीच में 60 मिनट नियंत्रित करके चलाई गई है। गाड़ी संख्या 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 8 और 9 सितंबर को बेतिया पिपरा के मध्य में 60 मिनट नियंत्रित करके चलाई गई। गाड़ी संख्या 15267 मुजफ्फरपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 10 सितंबर को सगौली पिपरा के बीच में 45 मिनट नियंत्रित होकर
चलाई गई। तो ये वो ट्रेनें हैं जो कि नियंत्रित करके चलाई गई और कईयों के जो है रूट में बदलाव किया गया है। अगर आप इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो आप अपने स्टेशनों की स्थिति जरूर जान लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।